हेलो एंड वेलकम टू एनकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकर डिजिटल पॉइंट। गाइस आ चुकी है वो वीडियो जिसका आप सभी को इंतजार था। जी हाँ गाइस, आज मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं कैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं बिना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को यूज करें। जी हाँ गाइस, अब आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर जाकर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया तरीका लेकर आया हूँ जो 100% वर्किंग है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। काफ़ी कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे थे जिससे मुझसे बोल रहे थे कि भाई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कमिंग सून लिखा रहा है, हमें बताइए कोई ऐसा तरीका जिसको यूज़ करके हम भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सके। तो गाइज अगर आपने अभी तक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया है तो आज आप अप्लाई करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देख लेना, इसकी बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ना 100% वर्किंग है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप प्ले स्टोर पर। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहां पर एक बहुत ही जानी मानी एप्लीकेशन दिखा देगी जिसका नाम है कैश करो कैशबैक एंड अर्न कूपन। ये एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं, कैशबैक कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है गाइस क्या होता है, ठीक है मुझे इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा काम करना है, अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं कैश करो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद गाइस जो एप्लीकेशन उसका इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ ऐसा। यहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं कैसे आप कैशबैक कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो आपको सिंपल सा काम करना है गाइस, ज्वाइन फ्री पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन फ्री पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा आपके मोबाइल नंबर आपकी ईमेल आईडी से। और जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ ऐसा, जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और गाइस देखिए कैशबैक आप यहां पर 100% कमाते हैं जब आप यहां पर शॉपिंग करते हैं या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको कैशबैक मिलते हैं। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन ओपन की तो यहां पर IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर मिला है कि भाई आप 750 रुपये के रिवॉर्ड्स पॉइंट भी आप यहां पर कमा सकते हैं अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। यानी गाइस आप यहां पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके अलावा आपको यहां पर और भी क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आपको यहां पर मिलते हैं। तो गाइज आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पर जो है एक टॉप कैटेगरी दिखाई दे रही है, अलग अलग कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल लेफ्ट करना है इसको, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल लेफ्ट करने के बाद एक बैंकिंग की कैटेगरी दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, बैंकिंग पे क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप बैंकिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो पेज आपके सामने ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा था कि आप यहाँ पर और भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइस अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर जो IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है आप SBI क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की जो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपल सा काम करना है, एक्सिस बैंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए गाइस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको पता है ये क्या है, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो गाइस आपको यहाँ पर फायदे बहुत मिलते हैं। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा जब आपका कार्ड बनके आपके घर पे आ जाएगा। 5% कैशबैक आपको मिलता है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर, ठीक है। अलावा गाइस आपको 4% का कैशबैक यहाँ पर मिलता है अगर आप इनके जो पार्टनर स्टोर हैं जैसे कि उबर हो गया, स्विगी हो गया, टाटा 1MG हो गया और ये बहुत सारे ब्रांड यहाँ पर मिल जाएंगे वहाँ पर। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 1.5% का कैशबैक परमानेंट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर देखिए जो बोनस पॉइंट है वो ये है कि जब आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे और अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो बस अप्रूवल मिलने के तुरंत बाद आपको यहां पर जो है 250 रुपये कैश करो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, ये बेनिफिट आपको यहां पर मिलता है। तो गाइस ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपल सा काम आपको यहां पर करना, अर्न 250 रिवॉर्ड्स नाउ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम करते हैं यहां पर क्लिक। जैसे ही आप अर्न विद 250 रिवॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको दिखाई देगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई नाउ का टैब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्या फायदे आपको मिलेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पर, वो आपको यहां पर दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, 5% अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट मिंत्रा अगर आप इसको यूज करेंगे।
इसके अलावा जो उनके पार्टनर स्टोर है वहां पर 4% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, 500 रुपए का आपको यहां पर गिफ्ट वाउचर मिलेगा गाइस। ठीक है, 500 रुपए गिफ्ट वाउचर आपको यहां पर मिलेगा, प्लस 15% का कैशबैक आपको मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम मिंत्रा पे इसको यूज करेंगे। इसके अलावा गाइस यहां पर 250 रुपए के रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे कैश करो के अंदर, जो 250 रुपए में ही आप जो है कैश कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर फीस एंड चार्जेस की, तो देखिए गाइस जब आप इस कार्ड को बनाएंगे तो ज्वाइनिंग फीस होगी 500 रुपए, जो आपको वापस मिल जाएंगे 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर में, यानी आपका कार्ड बिल्कुल फ्री हो जाएगा फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर से 500 रुपए की फीस आपके यहां पर मिलेगी, लेकिन ये 500 रुपए भी आपके खत्म हो जाएंगे अगर आप 1 साल में 2 लाख रुपए स्पेंड करते हैं। इसके अलावा गाइस यहां पर जो इंटरेस्ट रेट आपका रहता है 3.4% पर मंथ रहता है। ठीक है, और कैश विड्रॉल चार्जेस जो होते हैं वो 2.5% होते हैं, मिनिमम 500 रुपए होते हैं। ठीक है, और कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस आपके यहां पर 100 रहते हैं। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें यहां पर एलिजिबिलिटी की, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, तो पैन कार्ड फॉर्म 16, कलर फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ, ये आपको यहां पर देने होंगे। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस देखिए इनकम ग्रुप में आप आने चाहिए। अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 महीना होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो 30,000 रुपए महीना आपकी इनकम होनी चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे जो पेज है गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है, गेट ओटी पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ऐसे आप यहां पर ओटीपी डालने के बाद अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहां पर जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो पैन कार्ड के अंदर हो आपको यहां पर डालना होगा, पैन कार्ड का नंबर यहां पर डालना होगा, ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट करना है। गाइस मैं आपको बता दूं, आपको यहां पर जो डिटेल यहां पर देनी है वो डिटेल सही होनी चाहिए, जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड के अंदर होनी चाहिए वही डिटेल यहां पर आपने डालना है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। जब आप यहां पर ये डिटेल कंप्लीट फिल कर देंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर चूज करना है आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको यहां पर सैलरीड पे क्लिक करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहां पर अपना प्रोफेशन चूज करते हैं उसके बाद आपको आपकी मंथली इनकम कितनी है आपको यहां पर वो बतानी होगी और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अपनी डिटेल सही तरीके से चेक करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहां पर आपका एड्रेस डिटेल देनी होगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो। एड्रेस में आपको यहाँ पर वही आपका एरिया पिन कोड, आपके सिटी स्टेट कंप्लीट एड्रेस जो भी होगा और ऑफिस एड्रेस, ये आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करना होगा। उसके बाद गाइस अभी हम करेंगे फिर सेकंड स्टेप कंप्लीट है और यहाँ पर 33% कंप्लीट हो चुका है, आपको ये 100% कंप्लीट करना होगा तभी आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है एड्रेस डिटेल, चलिए करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप के अंदर, यहाँ पर अब आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, आपकी कंपनी का नाम, एम्प्लॉयर सेक्टर, इंडस्ट्री टाइप, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है और कार्ड डिस्प्ले नेम, ये आपको यहाँ पर डालना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन को इसके एक्सेप्ट करना होगा और गाइज आपको सबमिट करना होगा। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको इंस्टेंटली यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी मिल चुकी है और यहाँ पर ये बोल रहे कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब आपको 10 मिनट का इंतजार यहाँ पर करना होगा, हम आपको नोटिफाई कर देंगे कि भाई आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। गाइज अगर आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल मिलने के बाद आपको आगे के स्टेप कंप्लीट करने हैं जिसमें आपको केवाईसी करनी होगी, आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर आप इलिजिबल होंगे तो आपको नोटिफाई कर देंगे, वो आपका जो क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका है और 6-7 दिन के अंदर आपका कार्ड बनकर आपके घर पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट के अंदर जाकर कमिंग सून लिखा दिखा रहा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए, तो गाइज आप कैश करो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कैश करो एप्लीकेशन के अंदर जाकर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो गाइज ये थी वीडियो कैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं कैश करो एप्लीकेशन के जरिए। मुझे उम्मीद आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।